नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। एलपीजी गैस सब्सिडी को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए आपके अकाउंट में कब आएंगे पैसे। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर सभी घरों में अहम जरूरतों में से एक है। ऐसे में लोगों को गैस सिलेंडर की कीमत और सब्सिडी से जुड़े खबरों पर नजर रहती है। इस समय रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमत में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 1000 के आंकड़ों को छू सकती है। इसके अलावा सब्सिडी का लाभ भी अब कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाएगा। हिमाचल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 8 वर्ष बाद बढ़ी आय सीमा, 60,000 लोग होंगे लाभान्वित। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा 35,000 रुपये को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। 8 वर्ष बाद आय सीमा बढ़ने से 60,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च को पेश किए बजट में इसकी घोषणा की थी। हिमाचल में रोजगार की बहार, दो बड़े उद्योग करेंगे 100 से 100 करोड़ का निवेश। पहले मेडिकल डिवाइस पार्क से 3600 लोगों को मिलेगी जॉब। जी हां, दो बड़े उद्योग 100 से 100 करोड़ रुपये का निवेश कर मेडिकल उपकरण बनाएंगे। एक उद्योग में कार्डियोवेस्कुलर प्रोडक्ट और दूसरे में एक्सरे, आईजी, ईएमजी और ईसीजी उपकरण तैयार होंगे। हिमाचल इन कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किए आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। सेवानिवृत्ति और पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों को भी तबादलों से भरने में छूट दी गई है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत भी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। कोरोना संकट के चलते जुलाई 2020 से सरकार ने तबादलों पर पूर्ण बैन लगा दिया था। सख्त होंगे नियम, हिमाचल में पंजीकृत ठेकेदारों को ही मिलेंगे मछली आयात का परमिट। जी हां, प्रदेश के सभी जलाशयों के मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनके रोजगार क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रदेश के सभी जिलों में मछली आयात को आंशिक प्रतिबंध लगेगा। मत्स्य विभाग से मछली आयात का परमिट लेने के सभी नियम सख्त होंगे। आवेदन आमंत्रित, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2021 में संचालित 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 2021 में संचालित 10वीं और जमा 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 14 से 14 मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मॉप अप राउंड शुरू, एमबीबीएस की खाली रही 44 सीटों के लिए 24 तक आवेदन, 25 को काउंसलिंग। जी, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कुमार हट्टी सोलन में एमबीबीएस की खाली बची 44 सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया है। इन सीटों के लिए 24 मार्च शाम तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद 25 मार्च को सुबह 9 बजे कॉलेज में इन सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। बड़ी उपलब्धि, टीबी उन्मूलन में बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश अव्वल, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में खुलासा। जी हां, टीबी उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर बाजी मारी है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों का आकलन करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सम्मानित करेंगे। हिमाचल सरकार की ओर से इन पुरस्कार को लेने के लिए डॉक्टर गोपाल बेरी को भेजा है। हिमाचल में बीते वर्ष टीबी उन्मूलन में 72 कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव में टीमें भेजी गई। इस दौरान टीबी के मरीजों को ढूंढा गया। महासंघ की मांग, हिमाचल में 5 साल से पहले न किए जाए शिक्षकों के तबादले। जी हां, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों के 5 साल से पहले तबादले न करने की मांग की है। एक स्कूल में कम से कम शिक्षकों को 5 साल तक सेवाएं देने की वकालत करते हुए बुधवार को महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडरी की अध्यक्षता में प्रधान शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। पुंडरी ने प्रदेश के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु साल में 1 या 2 बार फिक्स करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के स्कूलों में रिक्त होने पर
शिक्षकों की पदों की समस्या कम होगी। शिक्षा विभाग का फैसला, एनटीटी संस्थानों की जांच के बाद होगी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। जी, हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की जांच के बाद होगी। कोर्ट केस से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से संस्थानों को लेकर जानकारी मांगी है। नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग एनटीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल करना चाहता है। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वालों और 30% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। मौसम, हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट रहा बेसर। खिली धूप, शिमला में 23.1 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। जय, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को भी प्रदेश के मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार से प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। आबकारी विभाग की कार्रवाई, टैक्स चोरी पर रेस्तरा संचालक को 18 लाख रुपए का जुर्माना। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की हमीरपुर और बिलासपुर जिले में तबड़तोड़ कार्रवाई से मुनाफाखोरों में हड़कंप मच गया। विभागीय टीम ने हमीरपुर जिले के एक प्रमुख रेस्तरा संचालक को टैक्स चोरी के मामले में 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर जिले के उपमंडल कुमारनी के एक आभूषण विक्रेता पर भी विभागीय टीम ने शिकंजा कसते हुए भारी जुर्माना किया है। बुधवार सुबह राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना से आए फ्लाइंग स्क्वाड ने हमीरपुर जिले के टोनी देवी तहसील के एक नामी कारोबारी के ठिकानों पर रेड की है। कृषि बागवानी कुल्लू में ऑर्गेनिक खाद की फैक्ट्री लगाएगा हिमपेट, गणेश दत्त ने दी जानकारी। जो हिमपेट के चेयरमैन गणेश दत्त ने कहा है कि हिमपेट कुल्लू में ऑर्गेनिक खाद की फैक्ट्री लगाएगा। इसके अलावा नालागढ़ या काला अम्ब में रोलर फ्लोर मिल लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में गेहूं की खरीद करने के बाद सरकार गेहूं की पिसाई निजी क्षेत्र में कराती है, इससे हिमपेट का कारोबार भी बढ़ेगा। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग, टांडा मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगी नो डायलिसिस मशीनें। जी, हिमाचल प्रदेश में अभी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की सुविधा है। अब टांडा मेडिकल कॉलेज दूसरा अस्पताल होगा जहां यह चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मशीनें स्थापित किए जाने से IGMC में मरीजों का कम भार पड़ेगा। वह चलते आज की आखिरी खबर, चौथी लहर के साथ फिर लौट रहा है कोरोना, स्वास्थ्य संगठन ने दी सख्त चेतावनी। जी हां, COVID-19 फोर्थ वेव ओमिक्रॉन BA2 वेरिएंट वाले कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर WHO ने सख्त चेतावनी जारी की है। खासकर भारत समेत एशिया के दूसरे देशों को COVID-19 से अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।